नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं कमलदीप सिंह बजाज आपका खुशियां भरा स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल केडी बजाज फिल्म्स में। मैं आया हुआ हूं दुबई और मैं ठहरा हुआ हूं क्लब महिंद्रा के अरेबियन ड्रीम्स सर्विस अपार्टमेंट में, जो अल रफा एरिया में है, बर दुबई में। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल केडी बजाज फिल्म सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो मैं आपको दिखा रहा हूं अरेबियन ड्रीम्स होटल अपार्टमेंट्स क्लब महिंद्रा का, और ये लुक पूरा बाहर से आता है, आप देख लीजिए। ये है एंट्री और ये है लाउंज, यहाँ पे बैठ के आप आराम कर सकते हैं। मेरा दोस्त है भावेश जो मेरे साथ दुबई आया है। ये है सागर जी जो कि ट्रैवल डेस्क देखते हैं। और यहाँ पे हैं दो चेक इन काउंटर्स। इस जगह पे है होटल का पार्किंग जो कि फ्री है, और सोफास, और यहाँ पे लगी हुई है तीन लिफ्ट जो आपको अपने रूम्स की ओर ले जाएंगी। और ये है वेंडिंग मशीन, अगर आपको पानी पीना है, चॉकलेट खानी है, वेफर्स खानी है या कॉफ़ी पीनी है तो यहाँ पे वेंडिंग मशीन लगी हुई है। आइए मैं दिखाता हूं आपको क्लब महिंद्रा अरेबियन ड्रीम्स होटल अपार्टमेंट्स दुबई का वन बेडरूम। चलिए, ये है लॉबी और लॉबी की तरफ से जा रहे हैं हम अपने वन बेडरूम में जिसमें हम रुके हुए हैं। तो ये है हमारा रूम, वन बेडरूम, चार जनों का डाइनिंग टेबल, काफी सारी शॉपिंग। अगर आपको आयन करने हैं अपने कपड़े तो यहाँ कीजिए। टीवी है, सोफा है, मेरा फ्रेंड थक गया है, स्मूदी पी रहा है और एनर्जी बढ़ा रहा है। और यहाँ पे है काफ़ी बड़ी गैलरी। मिरर, यहाँ पे एक छोटा सा बाथरूम है। चलते हैं किचन में, तो किचन में है काफी बड़ा फ्रिज और यहाँ पे पैन और बाउल्स दिए हैं। और यहाँ पे है कटलरी, हॉट प्लेट है, ओवन है, केटल है, टोस्टर, माइक्रोवेव, प्लेट्स एंड कप्स और वॉशिंग मशीन। काफी बड़ी किचन है यहाँ की। चलो देखते हैं मास्टर बेडरूम। तो यहाँ पे है डबल बेड और इस तरफ है पूरा ड्रेसिंग एरिया। यहाँ पे टीवी नहीं है। रूम की बात करें और होटल अपार्टमेंट के बाकी सब रूमों की बात करें तो थोड़ा मॉडर्नाइज करेंगे सब रूम्स को तो बहुत सुंदर हो सकता है पूरा ये होटल अपार्टमेंट। और यहाँ पे है कबट लॉकर के साथ। भी है इस बाथरूम के अंदर। वन बीआर चार जनों के लिए होता है तो दो जने यहां आ सकते हैं और बाकी के दो जनों के लिए ये लोग एक्स्ट्रा बेड दे देते हैं। और मैं आपको गैलरी में लेके जाता हूं। तो ये है रूम की गैलरी, दो गैलरीज हैं, एक सिटिंग रूम के बाहर है और एक ये वाली गैलरी है। तो इस बिल्डिंग के आगे, यहां से जाया जा सकता है इस बिल्डिंग के आगे, वहाँ पे आपको फार्मेसी, रेस्टोरेंट और सुपरमार्केट मिल जाएगी। और इस रोड के एंड पे दो फेमस रेस्टोरेंट्स हैं, गजीबो जो कि नॉनवेज रेस्टोरेंट है और कामत जो कि वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, दोनों साथ साथ में ही हैं। और ये है बाकी का एरिया।
मेरे साथ क्लब महिंद्रा अरेबियन ड्रीम्स होटल अपार्टमेंट्स के सागर ठक्कर जी साथ में हैं, जो कि यहाँ का ट्रैवल डेस्क संभालते हैं, और मैं इनसे कुछ प्रश्न पूछने वाला हूँ और वो हमें जानकारी देने वाले हैं। तो सागर जी, मुझे ये बताइए कि यहाँ के जो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं और वहाँ से कितनी दूरी यहाँ से होती है उन डेस्टिनेशंस की, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, जैसे कि आप जानते हैं, दुबई सारे वर्ल्ड में फेमस है एज अ टूरिस्ट स्पॉट के लिए। दुबई में जो मेन साइट सींग्स हैं, जैसे कि दुबई फ्रेम, दुबई फ्रेम यहाँ से जस्ट 1.5 किलोमीटर है, जो आप बाय वॉक और बाय टैक्सी भी जा सकते हैं। दूसरा अपन मान लें दुबई मॉल, द बिगेस्ट लार्जेस्ट मॉल इन द वर्ल्ड, जहाँ पे बुर्ज खलीफा लोकेटेड है, दुबई मॉल एक्वेरियम लोकेटेड है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे लोकेटेड है। द फाउंटेन शो एंड लेजर शो, जो दुनिया का सबसे अच्छा और खूबसूरत शो होता है, वो भी दुबई मॉल के अंदर ही है। वो कितना दूर है यहाँ से? वो यहाँ से 9 और 10 किलोमीटर, अप्रोक्स 10 किलोमीटर की यहाँ से दूरी है। उसके पास में अगर हम मान ले तो बीच, जो दुबई का जो बीच एरिया है वो काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ से काइट बीच जस्ट ओनली 7 किलोमीटर है, जुमेरा बीच ओनली 15 किलोमीटर है यहाँ से, जो बुर्ज अल अरब, जुमेरा बीच, एटलांटिस होटल, वो सारे व्यू होते हैं वहाँ पे। अच्छा, वो सब ये तीनों आसपास में है, बुर्ज अल अरब, एटलांटिस और ये जुमेरा बीच, एक ही ट्रैक पे पड़ते हैं? ट्रैक एक ही है, सब प्लेस के डिफरेंस 10-15 मिनट के अंदर ही होते हैं। ओके, यहाँ से दूरी कितनी है? यहाँ से जो अपन बुर्ज अल अरब जाते हैं तो 25 मिनट्स की दूरी है, जो कि किलोमीटर होते हैं 15 किलोमीटर ओनली। ओके, और एटलांटिस होटल? एटलांटिस होटल यहाँ से 30-35 मिनट्स लगते हैं, 25 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ओके, और JBR? JBR द बीच, वो दुबई मरीना का एक अच्छा प्लेस है, जो दुबई का स्काईलाइन वो प्रेजेंट करता है, वो यहाँ से 38 किलोमीटर दूर है। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे पता चला है कि यहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं है, तो अगर कोई यहाँ पे गेस्ट आते हैं और कुछ खाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या सुविधा उपलब्ध करवाते हैं? जी, तो ये सर्विस अपार्टमेंट है, इसलिए यहाँ पे रेस्टोरेंट की सुविधा नहीं है। अगर यहाँ पे गेस्ट स्टे करते हैं तो उसके लिए आसपास काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं। अच्छा। जैसे कि सारंगा भोजनालय, वो प्योर वेज है, चिकन टिक्का जस्ट 100 मीटर की दूरी है होटल से, और 2-5 मिनट का वॉक है। उसके पास में द मुंबई का फेमस है कामत और गजीबो, ये भी 100-200 मीटर की दूरी पे यहाँ पे, आप रूम पे स्टे करके भी रूम से ही ऑर्डर कर सकते हैं रेस्टोरेंट। और यहाँ पे कोई आता है तो आप कौन सी एप्स डाउनलोड करनी चाहिए उनको यहाँ पे आने से पहले, तो वो आप मुझे बताइए। जैसे करीम करके यहाँ पे एक ऐप है, जो करीम टैक्सीज चलती हैं, वो ऐप टैक्सी है, तो करीम का मैं ऐप डाउनलोड करके आया था, बोटिम का ऐप डाउनलोड करके आया था, क्योंकि यहाँ पे व्हाट्सएप नहीं चलता है, तो बोटिम के द्वारा आप बात कर सकते हैं भारत में या किसी और देश में। तो उसके अलावा आप कौन सी ऐप्स बोलते हैं कि जो भी कोई बाहर से आता है वो ऐप डाउनलोड करके आए? अगर आप बाहर से आते हो दुबई में तो टैक्सी के लिए यहाँ पे करीम एप्लीकेशन बेस्ट है। फूड के लिए आप तालाबट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार बोलिए, तालाबट। ओके, और यहाँ पे मेट्रो, गूगल मैप, टैक्सी, बस, उसके लिए एक एप्लीकेशन है शेल। शेल स्पेल कीजिए, SHAIL, शेल। ओके। जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, दुबई के मैप्स, मेट्रो टाइमिंग्स, एवरीथिंग आप उस पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच सागर जी, थैंक यू सो मच। लाइक माई व्लॉग, कॉमेंट ऑन माई व्लॉग, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल। चलो देखते हैं क्लब महिंद्रा अरेबियन ड्रीम्स होटल अपार्टमेंट्स दुबई का स्टूडियो रूम। तो ये है लॉबी, और लॉबी में से आया जाता है स्टूडियो रूम में। तो ये है सोफा और टेबल, ये सोफा कम बेड नहीं है। क्लब महिंद्रा के स्टूडियो रूम में 3 पर्सन अलाउड होते हैं, और ये लोग 3rd पर्सन के लिए एक्स्ट्रा बेड देते हैं यहाँ पे। और ये है 2 जनों का डाइनिंग टेबल, और ये है यहाँ की कटलरी। फुल फ्लेज्ड फ्रिज, केटल, टोस्टर, माइक्रोवेव, हॉट प्लेट, और ये वॉशिंग स्पेस है, और यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, और यहाँ से गार्डन का व्यू है, छोटा सा गार्डन जो है इनका। और ये है बेड, लिनन थोड़ा वॉर्न आउट टाइप लग रहा है,
ड्रेसिंग टेबल, टीवी, यहाँ पे कबर्ड सेक्शन है और लॉकर कुछ इस टाइप का है यहाँ पे। यहाँ का जिम रूम, और जिम रूम में से जैसे ही बाहर आते हैं तो यहाँ पे है सौना रूम, और यहाँ पे है स्टीम रूम। दोनों ही यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए फ्री है। चलते हैं पूल की ओर। पूल के टाइमिंग कुछ इस तरह से हैं, सुबह 7 से 12 बजे तक दोपहर के, और 4 बजे से शाम को 8 बजे तक। तो मैं पहुँच गया हूँ रूफटॉप पे, और आप जो ये अभी देख रहे हैं वो बच्चों का पूल है जिसकी डेप्थ है 1.1 मीटर, और इस तरफ थोड़ा शैलो है बड़ों के लिए 1.23 मीटर, और जैसे ही आप आगे जाते हैं तो और थोड़ा सा डीप हो जाता है 1.92 मीटर। पूल बहुत बड़ा नहीं है, मगर हाँ आप एंजॉय कर सकते हैं, इतना बड़ा ज़रूर है। ये जो मिनारेट्स देख रहे हैं दो, ये यहाँ की फेमस सुल्तान मॉस्क है। तो आए देखते हैं दुबई की स्काईलाइन। ये है दुबई फ्रेम। और ये सबसे ऊंची बिल्डिंग जो आपको दिख रही है वो बुर्ज खलीफा है। तो ये है कुछ यहाँ की स्काईलाइन, बहुत ही सुंदर और रोचक। आइए देखते हैं क्लब महिंद्रा अरेबियन ड्रीम्स होटल अपार्टमेंट्स दुबई का 2BR। तो ये है 6 जनों का डाइनिंग टेबल। 1.5 लीटर वाली 3 बॉटल एवरीडे प्रोवाइड करते हैं क्लब महिंद्रा में यहाँ पे। और ये काफ़ी बड़ा लिविंग रूम टीवी के साथ। ये सिर्फ सोफ़ा है, सोफ़ा कम बेड नहीं है। 2BR के अंदर 6 लोग रह सकते हैं, तो 2 बेडरूम तो अवेलेबल है यहाँ पे, और 2 एक्स्ट्रा अगर आदमी आते हैं तो उनके लिए लोग एक्स्ट्रा बेड भी यहाँ पे लगा देते हैं। और ये है यहाँ की गैलरी, कपड़े सुखा सकते हैं आप यहाँ पे, और ये गैलरी रोड पे पड़ती है। और इस बिल्डिंग के आगे की साइड है रेस्टोरेंट्स और सुपरमार्केट, जो कि बहुत दूर नहीं है। आप देख पाएंगे कि वहाँ से लोग जा रहे हैं यहाँ से, तो यहीं से रास्ता है जाने का सुपरमार्केट पर। और यहाँ पे एक हाफ बाथरूम है। चलते हैं किचन में, तो काफी बड़ी किचन। यहाँ पे है फ्रिज, यूटेंसिल्स और रसोई का सारा सामान। काफी बड़ी कुकिंग रेंज है ओवन के साथ, हॉट प्लेट भी है, माइक्रोवेव भी है, वॉशिंग मशीन भी है, केटल, टोस्टर, कप्स, प्लेट्स, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। चलते हैं पहले बेडरूम की ओर। तो पहले बेडरूम के अंदर काफी बड़ा बाथरूम टब के साथ, इनके टॉवल्स भी थोड़े पुराने टाइप हैं, बदलने की जरूरत है। और ये काफी बड़ा रूम, कबर्ड्स विद लॉकर,
टीवी, ड्रेसिंग मिरर, और यहाँ से आपको व्यू आएगा रोड का। तो चलते हैं अब दूसरे रूम में। तो दूसरे रूम में भी काफी बड़ा बाथरूम है टब के साथ, और ये है बेड कबर्ड्स के साथ। यहाँ पे लॉकर नहीं है, और यहाँ से फिर से आप व्यू ले सकते हैं रोड का। आशा करता हूँ कि दुबई क्लब महिंद्रा का अरेबियन ड्रीम सर्विस अपार्टमेंट का ये व्लॉग आप लोगों को जरूर भाया होगा। मेरे चैनल केडी बजाज फिल्म्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज। जय हिंद।